नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हाईटेक शांत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि व्यापम का टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। मैं आपको फ्री में व्यापम का टेम्पलेट दूंगा, जिसमें आपको साइज सेट नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको फोटो सिग्नेचर और हैंड राइटिंग कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको सेव करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले स्कैन किया हुआ टेम्पलेट है जो, उसको ओपन कर लेते हैं, और जो मैंने बनाया हुआ टेम्पलेट है उसको ही फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। अब इसके बाद हम, अगर आपके पास पुराना प्रोफाइल पड़ा है और उसमें डेट चेंज करना चाहते हैं, तो आपके जो प्रोफाइल दिया है उसमें से फ़ोटो निकाल कर और पेंट में उसको सेव कर लेते हैं और उसकी डेट चेंज कर देंगे हम, ताकि वही आपके काम आ जाए। तो दोस्तों, अब इसको सेव करेंगे पिक्चर को, उसमें से कॉपी करके सेलेक्ट करने के बाद, अब इसके बाद हम पेंट ओपन करेंगे, पेंट में पेस्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट के ऑप्शन में जाकर यहाँ पर नाम और करेंट डेट, आज की डेट आप एंटर करेंगे इसमें, और इसके बाद इस फोटो को सेव कर देंगे। दोस्तों, ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है अभी तक का, और इसके पहले भी मैंने इसके वीडियो बनाए थे। तो दोस्तों, ये आज का है, तो इसकी आज की डेट डाल देते हैं इसमें और नाम डाल देते हैं, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है। अब इसके बाद इसको आप सेट कर लीजिए सही, इसके आजू बाजू भी लिख सकते हैं नाम, अगर ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट की जगह आप इसको ओपेक क्यू रख सकते हैं, बैकग्राउंड वाइट कर दीजिए इसका, और टेक्स्ट थोड़ा कम कर दीजिए ताकि एक लाइन में आ जाए। उसके बाद इस फोटो को आप सेव कर देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, मैं आपको फ्री में टेम्पलेट दे दूंगा या ईमेल पर दे दूंगा, ताकि आपका प्रोफाइल अच्छे से बन सके। तो दोस्तों, इस तरह आप इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए। अब इसके बाद इसको सेव करना है आपको फ़ोटो को, आपने फ़ोटो सेव कर ली, सिग्नेचर और हैंड राइटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो हमने सेव की है फ़ोटो, उसको ओपन करेंगे, तो जो दोस्तों ये थोड़ी गलत तरीके से सेव हो गई थी, अब इसको हम फिर से फ़ोटो को बराबर साइज में लेकर आते हैं, क्योंकि ये पूरा हो गया था। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको फ्री में व्यापम का टेम्पलेट दूंगा और पूरा रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इसको सेलेक्ट करने के बाद, क्रॉप करने के बाद सेव कर दीजिए और दोबारा ओपन कीजिए। तो दोस्तों, ये फ़ोटो आ गई है, इसको हम जो आपका टेम्पलेट हो उसमें पेस्ट कर देंगे इस तरह। देखिए, आपकी फ़ोटो आ गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको सिग्नेचर भी कॉपी करके पेस्ट करना है फोटोशॉप के जरिए, और अगर आपको साइज बराबर बॉक्स में सेट करना है तो कंट्रोल टी दबाकर इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल टी। अब इसके बाद एंटर कर दीजिए। अब इसके बाद हैंड राइटिंग को आप कॉपी कीजिए, जो आपका आपने टेम्पलेट स्कैन किया था, इसको कॉपी करने के बाद इसको आपको टेम्पलेट में आपको पेस्ट करना है दोस्तों। तो इसमें आप पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद इसको आपको सेव करना है। जब आप सेव कर लेंगे तो इसको डायरेक्ट अपलोड मार सकते हैं MP ऑनलाइन PB वेबसाइट में, और ये दोनों में काम में आ सकता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेम्पलेट फ्री में लीजिए।